हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको CMEA के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये कैसे काम करता है और ये क्या चीज़ है। जैसे आप ये ऑफ वाइट कलर का एक जो फ्लेक्स देख रहे हैं, इसी को हम CMEA कहते हैं, और जिसकी मैंने फुल फॉर्म एंड एवरीथिंग जरिए जो काम करता है, मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही इसकी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन डाल दी है कि आप लोगों को ये समझने में दिक्कत ना हो और आप लोगों को ये लोकली अवेलेबल हो जाए। कभी कभी ये दिक्कतें आती हैं कि मटेरियल्स आपके लोकल में अवेलेबल तो होते हैं बट वो क्वालिटी नहीं होता है। तो एज़ बिकॉज़ आप जस्ट मेरे वीडियो को पूरा फॉलो कीजिए, मैंने ग्राम और कितने ml का मटेरियल सारा कुछ लेना है मैंने सारा इसमें आपको ऑन स्क्रीन ही डाल दिया है। इसमें कुछ भी आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में देखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटा सा हीटिंग प्रोसेस है, इसके माध्यम से आप अपने मटेरियल को थिक कैसे बना सकते हैं विदाउट यूजिंग सोडियम सल्फेट और सॉल्ट। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे SLES को ले लिया है 600 ml, SLES में हम लोगों ने 4 ग्राम CMEA को डाला है और इसको हम बॉइल करेंगे। बॉइल मीन्स इसको एक मीडियम फ्लेम में हीट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप गैस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने इंडक्शन कुकर का इस्तेमाल किया है। इंडक्शन कुकर में हम लोग यहाँ पे 350 डिग्री का एक टेम्परेचर सेट करेंगे, जो आपकी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ थोड़ी देर में आ जाएगा। सो प्रोसेस ऐसा है कि इसमें आपको हीट करना है, भले ही वो आप इंडक्शन से करें और किसी भी प्रोसेस से करें। इसमें ये फ्लेक्स जो है ये पानी में या फिर SLES में घुलना थोड़ा दिक्कत होता है अगर पानी गर्म या फिर SLES गर्म ना हो। पानी में इसीलिए हम लोग मना करते हैं क्योंकि पानी में इसमें मिक्स होने से CMEA का जो आपका स्ट्रेंथ है वो आपको उस तरीके से समझ नहीं आता है, और आप इस मटेरियल को बना के इसको रख भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल तक ये कुछ भी नहीं होगा। CMEA SLES के साथ इस तरीके से मिलाना पड़ता है कि ये पूरा उसमें मेल्ट होकर मिक्स हो जाए। अगर ये मेल्ट नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा, तो आपको उस तरीके का रिज़ल्ट ये नहीं आएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल में मैंने हमेशा से ही थिकनेस के ऊपर काम किया है। थिकनेस को जितने कम प्राइस में लाया जाए, मटेरियल का क्वालिटी को मेंटेन करते हुए मैंने उसी की कोशिश हमेशा मैंने किया है। बिकॉज देखिए, मैं एक ट्रेनर हूँ और मेरी कोई भी प्रोडक्शन लाइन नहीं है। मेरा बेसिक काम यही है कि सब जितने भी न्यू कमर्स हैं और जितने भी फैक्ट्रीज और छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज हैं उनको सपोर्ट करना होता है, और इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मुलेशन का बुक भी है। जो न्यू कमर्स हैं उन लोगों के लिए फॉर्मुलेशन बुक काफ़ी अच्छा एंड नॉमिनल प्राइस में है। 200 फॉर्मुलेशन आती है ओनली 350 रुपीज़ में, एंड हमारे कंसल्टेंसी सर्विस भी है, और आप चाहे तो ऑनलाइन हमारा ट्रेनिंग भी अवेलेबल है, जो हम लोग आपको ट्रेनिंग भी देते हैं, साथ में आपको मटेरियल सप्लाई छोटे क्वांटिटी में, एंड आफ्टर ट्रेनिंग प्रोसेस जो सपोर्ट होता है वो भी हम लोग आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी को आके भी ऑफलाइन क्लास करना है तो मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं। और हमारी जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है ऑल ओवर इंडिया है, सो इसके लिए आपको छोटे क्वांटिटी में भी प्रैक्टिस करने के लिए रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मिक्सिंग जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, केमिकल का जो मिक्सिंग प्रोसेस है उसको अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। हम इसे यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी अच्छा ट्रांसपेरेंट थिकनर आपको बना के दिया जा सके। जैसे आप जानते हैं कि हैंड वॉश का बेस होता है, शैम्पू का बेस होता है, ये कहाँ से बनता है? ये यही चीज़ है SLES और CMEA को ही आपको कंपाइल करके बनाया जाता है, और कंपनी इसे सेल करती है एज अ बेस। आपको बताया जाता है कि विदाउट सॉल्ट का मुझे शैम्पू बेस चाहिए, विदाउट सॉल्ट शैम्पू बेस यही होता है, और कुछ इसमें ऐड नहीं किया जाता है। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इसके ऊपर रिसर्च वगैरह करता आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा कि आप लोगों को एक अच्छी सी वीडियो एंड इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मेरी तरफ से जितना हो सके मैं आपको प्रोवाइड कराने का कोशिश करूँगा। इसीलिए मेरे चैनल में काफ़ी वीडियोज़ भी कम आते हैं, बिकॉज मैं ज़्यादातर टाइम अपने रिसर्च में ही लगा रहता हूँ। तो इसके लिए जो अच्छी वीडियो और अच्छा इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर पाता हूँ मैं वही देता हूँ, बिकॉज़ यूट्यूब में काफ़ी तरह का ऑलरेडी वीडियोस बहुत बने रहते हैं लेकिन थिकनेस के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता, बिकॉज थिकनेस करना ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मिस कर जाते हैं सब कोई। जैसे आप देख सकते हैं अभी ये जो CMEA और SLES का जो मिक्सचर था ये 10 घंटे बाद कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। देखिए, इसमें कोई भी सोडियम सल्फेट या सॉल्ट मैंने ऐड नहीं किया है। इसके बाद आप इसको सोडियम सल्फेट और सॉल्ट भी इसमें पंच करते हैं तो इसकी थिकनेस और अच्छी आती है। ये काफ़ी अच्छा थिकनेस है, ये कोई भी आइटम में आप चला सकते हैं, हैंड वॉश, डिश वॉश, फ्लोर क्लीनर, शैम्पू, बॉडी जेल, फेस वॉश, एवरीथिंग में ये जाएगा।
इसके लिए ओनली फिनाइल में ये नहीं जाता है, फिनाइल को छोड़ के और हार्पिक को छोड़ के इसमें अदर्स हर चीज़ में ये आप डाल सकते हैं जहाँ जहाँ एसएलएस यूज़ होता है। अब और अभी आप देख सकते हैं, देखिए ये पूरा ग्लास जैसा ट्रांसपेरेंट, फुल्ली ट्रांसपेरेंट हो चुका है 24 घंटे के बाद। और ये ओनली 4 ग्राम CMEA का ही कमाल है जो SLAS को कन्वर्ट कर देता है इस तरीके से कि आप इसको देख सकते हैं पूरा जेल फॉर्म है। ये आप एज अ कंपाउंड भी सेल कर सकते हैं और सारे प्रोडक्ट्स में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।